हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वी बोर्ड एंड लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ टू पाइप्स फंक्शन साइमल्टेनियसली द रिजर्वायर विल बी फिल्ड इन 12 आवर्स। तो अगर दो पाइप्स हैं, मान लो ए बी, वो एक साथ काम करती हैं तो रिजर्वायर को 12 घंटे लगते हैं फिल होने में। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, वन पाइप फिल्स द रिजर्वायर 10 आवर्स फास्टर। तो एक जो पाइप है वो दूसरे वाले से 10 घंटे तेज़ी से भरती है। तो मैं मान लेता हूँ ए इज़ द फास्टर पाइप। ठीक है, तो अगर ये एक्स आवर्स में फिल करती है तो बी को 10 घंटे ज़्यादा लगेंगे, दैट इज़ एक्स प्लस 10 आवर्स लगेंगे। ठीक है, तो हमको क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी आवर्स डज द फास्टर पाइप टेक टू फिल द रिजर्वायर, मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है ना, एक्स कितने टाइम पे ए रिजर्वायर को भरता है। ठीक है, तो अब ये ए का टाइम है और ये बी का टाइम है, तो टोटल वर्क निकालने के लिए मैं इनका एलसीएम ले लेता हूँ। तो एलसीएम लूँगा तो एक्स प्लस 10 यहाँ मल्टीप्लाई और एक्स यहाँ मल्टीप्लाई, तो टोटल वर्क आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x। ठीक है, अब ए और बी दोनों एक साथ खोला गया है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे दिया है ए और बी को, दोनों को एक साथ खोल दिया तो इन दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी ना, तो दैट इज़ 2x प्लस 10। और हमें पता है इन दोनों को फिल करने में 12 घंटे लगते हैं, तो हमारा टोटल वर्क यहाँ से भी एक आ जाएगा, दैट विल बी 24x प्लस 120। ठीक है, देख टोटल वर्क ये भी है और टोटल वर्क ये भी है, तो टोटल वर्क सेम होगा। तो इन दोनों इक्वेशन को मैं इक्वेट कर देता हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 24x प्लस 120। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं ब्रेक करके एक्स की दो वैल्यूज निकाल लूँगा। ठीक है, तो इसको ब्रेक कैसे करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। माइनस 120 से मुझे माइनस 14 बनाना है, तो 6 और 20 अगर मैं देखूँगा, 6 टू 12 120 आएगा। ठीक है, और माइनस 20 प्लस 6 से माइनस 14 आ जाएगा। ठीक है, मतलब माइनस 20 और प्लस 6 से, तो अब जो इसके x की वैल्यू साइन चेंज हो जाएंगे, तो x विल बी इक्वल्स टू 20 एंड माइनस 6, तो x की वैल्यू हो जाएगी 20 आवर्स। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा पहले मैं, तो a को 20 आवर्स लगेंगे और b को 30 आवर्स। ठीक है, तो हमारी फास्टर पाइप को 20 आवर्स लगेंगे और स्लोअर पाइप को 30 आवर्स। तो अगर मैं ऑप्शन देखूँ तो e, मतलब नन ऑफ दिस इज़ आवर आंसर, बिकॉज 30 आवर्स तो स्लोअर पाइप को लग रहे थे ना और 20 आवर्स लगेंगे फास्टर पाइप को, तो नन ऑफ दिस इज़ आवर आंसर। आई होप यू लाइक द सोल्यूशन। थैंक यू।